आज हम आपको थ्री कोर फ्लैट केबल का आउटर पीवीसी कैलकुलेशन बता रहे हैं जो IS-694 में बनती है, जिसको समर्सिबल केबल भी बोलते हैं। समर्सिबल केबल हो गई एक तरीके से, थ्री कोर फ्लैट कह लो, कुछ भी कह दें। तो इसमें जैसे इतना तो आप जानते हैं, ये अंदर कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के ऊपर ये इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर ये जो ब्लैक पार्ट है शीथिंग का होता है, देखो शीत हो गई, इंसुलेशन हो गया, कंडक्टर हो गया। उसका आउटर का वेट कैसे निकालते हैं पीवीसी का, कोर तक का सब निकाल ही देते हैं, राउंड में ज़्यादा इशू नहीं आता। तो सबसे पहले जैसे कोर का ऐसे डिजाइन होता है, डाई के हिसाब से फिक्स बनती है, हमने उसको मान लिया, इसकी ये वेट थे 1840 हमने मान ली और हाइट हमने 760 मान ली, क्योंकि 540 कोर हो रही है और उसके अलावा थिकनेस जोड़ दी, तो ये हो गया। इसमें क्या करना है, पहले हमने इसको यहाँ से ऐसे काट के इसका ट्रायंगल बना लेना है, तो आयत बोलते हैं जिसको, उस तरीके से इसको बना लिया। अब कोर बॉडी जैसे 540 हो गया इसका डायमीटर, इसको हमने नोट कर लिया, थिकनेस 1.10 है हमने जो मान लो मान ली है उसके हिसाब से। अब सबसे पहले हम कोर का एरिया निकाल लेंगे, जैसे एक कोर हमने ले ली 540, तो डी स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर, तो 540 इंटू 3.1428 डिवाइड बाई फोर करके डी स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर हो गया, ये हो गया 22.91। और तीन कोर हैं तो तीन से गुणा हो जाएगा तो 68.73 हो जाएगा, तो इसको हमने नोट कर लिया। ये हमारा तीनों कोरों का एरिया आ गया, क्योंकि टोटल एरिया निकाल के उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें। अब हमने इसका आयत को जो है सॉल्व कर लेंगे हम, 760 तो इसकी हाइट है, क्योंकि हाइट में 540 की कोर और इधर की 1.10 और 1.10 थिकनेस जुड़ जाएगी, तो 760 इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने यहाँ नोट कर ली। और 10.4 यानी कि 1040 इसकी विड्थ हो गई यहाँ तक, वो हमने ऐसे देखी, देखो 540 की ये कोर है और 540 की ये कोर है, 540 की ये कोर है, तो ये दोनों कोरें आधी लेंगे हम यहाँ पे, तो 540 और आधी कोर, ये आधी कोर मतलब ये उल्टा डी बन जाएगा, तो एक कोर ये हो गई, तो डबल कोर हो गई, तो 1080 ये हो गया, तो 760 × 1080 तो 82.08 है मैम स्क्वायर हमारा जो एरिया आ गया पूरा इस आयत का। तो उसके बाद ये जो एरिया बचता है, ये हाफ डी बच गया, जो ये पूरा ये आधा डी बच गया, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके ले लिया, तो ये वापस एक राउंड सर्किल बन गया आधा। तो इस राउंड सर्किल को हम सॉल्व कर लेंगे, ई और एफ हमने जैसे इसको मान लिया, इनको ए बी सी डी मान लिया था, तो इसको हम डी स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर करेंगे। तो जैसे 540 तो हमारा कोर ओडी हो गया, 1.10 की थिकनेस मिलाएंगे तो 760 इसका कोर ओडी हो गया, तो पूरा ओडी जो इसका बनेगा इस डी का मिला के वो ये हो गया, तो 760 × 760 × 3.1428 / 4, तो ये हमारा इसका एरिया आ गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया हमारा आया था 82.08 ये रख लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद ये रख लिया कंप्लीट एरिया हमारा 127.46 हो गया, जिसमें से ये कोर का एरिया तीनों का जो हमने निकाल रखा है 1, 2, 3, क्योंकि ये अंदर से माइनस हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा जो बचा हुआ एरिया है वो ये आ गया। बचा हुआ एरिया मीन्स हो गया अपना ये जो यहाँ से यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, ये जो काला काला जितना आउटर की पीवीसी में इधर उधर से आई वो सारा एरिया ही हो गया पीवीसी का। और ये गुणा डेंसिटी, जैसे हमने 1.5 डेंसिटी मान ली तो 88.09 आ गया, डेंसिटी आपके जो भी आती है आप वो मान सकते हैं। तो ये इसका सबसे सरल तरीका है निकालने का। धन्यवाद।